नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब थ्री की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। सोथबीज ऑक्शन हाउस ने कहा कि बैंकक्रप्ट क्रिप्टो करेंसी हेज फंड थ्री एरोस कैपिटल द्वारा खरीदे गए नॉन फंजिबल टोकन्स का एक सेट गुरुवार को न्यूयॉर्क के सदबी में $10.9 मिलियन में बिका। ब्लॉकचेन ट्रैकर डैपराडन के डेटा से पता चला कि थ्री एरोस कैपिटल, जिसने एक साल पहले US बैंकक्रप्सी के लिए फाइल किया था, जिसने जुलाई और अगस्त 2021 में परचेसेस की एक सीरीज में 37 NFTs पर $15.5 मिलियन मूल्य की क्रिप्टो करेंसी खर्च की, सबसे एक्सपेंसिव आइटम रिंगर्स #879 कनेडियन आर्टिस्ट डिमिट्री चेरनिया द्वारा 1000 कंप्यूटर जनरेटेड एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस की एक सीरीज का हिस्सा है। डैपराडर के डेटा के अनुसार सदबीज ने कहा ये 15 जून को यानी कल $6.2 मिलियन में बिका, जिसे अगस्त 2021 में थ्री एरोस कैपिटल द्वारा लगभग $5.9 मिलियन में खरीदा गया था। क्रिप्टोकरेंसी लूना और लूना के कोलैप्स के बाद सिंगापुर बेस्ड थ्री एरोस कैपिटल 2022 में बैंकक्रप्ट होने वाली क्रिप्टो फर्म की सीरीज में पहली थी। 2021 में NFTs मार्केट एक्सप्लोड हो गई थी क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में बढ़त हुई थी और टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट ने शर्त लगाई कि डिजिटल एसेट ऑनलाइन वर्चुअल एनवायरमेंट्स में हाईली वैल्यूड हो जाएंगे। डैपराडर के डेटा के अनुसार जनवरी 2022 में $5.7 बिलियन के पीक से नीचे मई 2023 में $675 मिलियन वर्थ की NFT सेल के साथ स्पेकुलेटिव फ्रेंजी कम हो गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिंपैंजी एक रेवोल्यूशनरी वेब थ्री प्रोजेक्ट है जो कंजर्वेशन नैरेटिव का चैंपियन है। ये दुनिया की दो सबसे अधिक प्रेसिंग एनवायरमेंटल चेंजेस, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज से निपटने के मिशन पर है। इस नोवेल प्रोजेक्ट का रिफॉरेस्टेशन और वाइल्ड लाइफ के संरक्षण का एक स्पष्ट लक्ष्य है और इसका यूनिक अप्रोच पहले से ही क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और नेचर एंथुजियास्ट के बीच एक्साइटमेंट जनरेट कर रहा है। 2023 में मार्केट कंडीशंस के बावजूद चिंपैंजी की टीम क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन और एनिमल एक्सटेंशन से लड़ने के अपने मिशन में लगातार प्रगति कर रही है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और इनकम जनरेशन के संयोजन के प्रोजेक्ट के यूनिक अप्रोच ने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। वन ट्री प्लांटेड जैसे एक प्रमुख NGO के साथ काम करना और क्रिप्टो का उपयोग करके चैरिटी को डोनेट करने के लिए द गिविंग ब्लॉक के प्लेटफॉर्म का उपयोग करना, क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन से प्रभावित जानवरों और अन्य प्रजातियों के समर्थन के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए इसकी विश्वसनीयता को और मजबूत किया है। हाल ही में चिंपैंजी ने इनिशियल प्रीसेल राउंड में $500,000 को पार कर लिया और वन ट्री प्लांटेड और वाइल्ड फाउंडेशन से अपने वादों को पूरा किया है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। भारत मेटावर्स टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए तैयार है। जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरते टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में विशेषज्ञता रखने वाली भारत स्थित कंपनी Kia.ai द्वारा शोकेस किया गया है। पेरिस 2023 में आयोजित प्रतिष्ठित वीवा टेक इवेंट में Kia.ai ने भारत मेटा नामक मेटावर्स के अपने वर्जन का अनावरण किया। प्रदर्शन वीवा टेक इवेंट के दौरान इंडिया पेविलियन में हुआ, जिसे यूरोप की सबसे बड़ी एनुअल टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप गैदरिंग के रूप में मान्यता प्राप्त है। ANI से बात करते हुए Kia.ai के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO राजेश मिर्जांकर ने बताया कि एग्जिस्टिंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स मुख्य रूप से गेमिंग और वर्चुअल गुड्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी कंपनी का जोर फिजिकल और वर्चुअल दोनों प्रोडक्ट्स के कॉमर्स को सक्षम करने पर है। ये यूनिक अप्रोच रियल बिजनेसेस को मेटावर्स टेक्नोलॉजी को अपनाने और इसकी क्षमता का लाभ उठाने की अनुमति देता है। मिर्जांकर ने आगे बताया कि भारत मेटा मेटावर्स के भीतर बैंकिंग, कॉमर्स, कल्चर और कोलैबोरेशन के लिए प्रैक्टिकल यूज केसेस की पेशकश भी करता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट्स और आइडेंटिटी सिस्टम सहित भारत के मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाते हुए भारत मेटा का उद्देश्य फिजिकल और वर्चुअल क्षेत्रों के बीच की गैप को ब्रिज करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर मर्सिडीज बेंज ChatGPT पावर्ड वॉइस असिस्टेंट सिस्टम के एक नए ट्रायल के हिस्से के रूप में 900,000 से अधिक व्हीकल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकत्रित कर रही है। कंपनी ने 16 जून को घोषणा की कि ऑप्शनल बीटा फीचर अब मर्सिडीज बेंज यूजर एक्सपीरियंस इंटरफेस से इक्विप्ड किसी भी व्हीकल के ओनर के लिए एक्सेसिबल है, जो करंटली अमेरिका में 900,000 से अधिक मर्सिडीज कार्स के लिए जिम्मेदार है। मर्सिडीज ड्राइवर्स अपनी कार में बैठकर
हे मर्सिडीज, आई वॉन्ट टू ज्वाइन द बीटा प्रोग्राम कहकर नए AI पावर्ड वॉइस असिस्टेंट के लिए साइन अप कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से यूजर्स कार मैन्युफैक्चरर्स के मी एप्लीकेशन के माध्यम से साइन अप करके शामिल हो सकते हैं। जर्मन बेस्ड मैन्युफैक्चरर ने समझाया कि ChatGPT अपनी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज का विस्तार करके अपनी एग्जिस्टिंग वॉइस कंट्रोल फीचर को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ChatGPT इंटीग्रेशन यूजर्स को वॉइस असिस्टेंट क्वेश्चंस पूछने की अनुमति भी देगा। जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड या अनरिलेटेड है, चैटबॉट कथित तौर पर कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स प्रोवाइड भी कर सकता है। ओवर टू यू रोशनी। बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज डच रेगुलेटर को वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस जारी करने में विफल रहने के बाद नेदरलैंड्स को छोड़ रहा है, जो ये प्रमाणित करता है कि ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस का अनुपालन करता है। एक्सचेंज के एक स्टेटमेंट के अनुसार 17 जुलाई तक डच रेसिडेंट्स सिर्फ प्लेटफॉर्म से अपने फंड्स विद्रॉ करने में सक्षम होंगे। बाइनेंस ने कहा कि ये रेगुलेटर के साथ वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में एक कॉम्प्रहेंसिव रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस में है। एक्सचेंज ने कहा कि वो डच रेगुलेटर्स के साथ काम करना जारी रखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.tv या हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। थैंक यू।